फिर जी कमेंट्स नीचे आए होते हैं कि बड़ा अजीब लगता है कि आप खवातीन काम कर रही और आपके मर्द साथ नहीं आए। तो आपको पता है कि जो बाजी के हस्बैंड है वो इस्लामाबाद होते हैं और जो तसीफ है उसकी गवर्नमेंट की जॉब है, और मेरे हस्बैंड जो है जी वो घर में उनका रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने चूल्हा रखा हुआ था, कभी भी इसको वॉश नहीं किया हमारे किराएदारों ने। और ये देखिए जी इशा हो चुकी है और अभी अभी मजदूर गए हैं जी हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये सुबह का वक्त है जी, तकरीबन 7:45 हो चुके हैं, सूरज भी निकल आया है। तो रात को जी 3 बजे आज उसी तरह की जिस तरह कल बारिश आई थी, आज भी इसी तरह जी बहुत तेज़ बारिश आई थी। और ये देखिए जी यहाँ पर कोई चारपाई नहीं पड़ी हुई, सारे जी अंदर भागते थे चारपाइयों समेत, सुलेमान मैं बाजी और बच्चियाँ भी। तो ये देखिए जी मिट्टी आई थी बहुत ज़्यादा ऊपर से आई है। कल भी जी हमने सफाई नहीं की थी क्योंकि सोचा था कि कह रहे थे जी आज फिर बारिश आएगी फिर कुछ उठाएँगे। तो सुबह का जी नाश्ता बनाएंगे, मजदूर भाई आ गया तो आज भी बाहर वाला सीन जो है वो मरम्मत होगा। तो ये छाँव देखिए जी आज हमने नहीं उतारी, कल उतार दी थी, तो इसको जी सबसे पहले लगाएंगे। और बाजी जी हैं वो आटा गूंथ, और ये देखें जी बाजी ने आटा गूंथ दिया, गूंथ लिया हाँ हाँ जी। और ये जी पड़ा हुआ है और यहाँ पे जी बर्तन भी पड़े हुए हैं, हाँ जी ये बर्तन भी वाश होंगे जी, क्योंकि ये वाला जी टप हमारे इधर ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल साफ टप है। वैसे बड़े बड़े जी जंगाल वाले इनको साफ किया जाए अच्छी तरह, क्योंकि मोटर पानी नहीं उठा रही तो डायरेक्ट चलती है, तो पानी हमने भर लिया। यहाँ पे जी हम बर्तन वाश कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखे जी सीमेंट वगैरह रात को बारिश आई है तो फिर उखड़ गया है जिस जगह से, यहाँ पर जी पानी आता है ऊपर से, और फिर इसकी जो थोड़ी थोड़ी मिस्त्री भाई मरम्मत करेगा। देखें जी आज इस चेन की मरम्मत होगी, मजदूर भाई जो है वो इधर से रेत उठा के शायद उधर करेंगे, और ये वाला जितना सेम जी ये ख़राब लग रहा है आज इसकी मरम्मत हो जाएगी। और यहाँ से देखें जी माशाल्लाह ये वाला सेम कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह सफाई हो गई है जी, बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। तो सबसे पहले जी मैं जाकर वो लगाती हूँ छाँव। और ये देखे जी छाव जो है मैंने लगा दी है, ये देखे जो सलमान माशाल्लाह उठ गया है जी। हम अंडा लेने जा रहे हैं जी, नाश्ता जो है वो बन रहा है इधर जी, ये यहाँ पे देखे जी ये प्लस्तर किया हुआ है, तो बाजी ने किचन में नाश्ता बना रही है, इधर ही शुरू कर दिया जी। इधर चाय बनेगी और पराठे और दही भी साथ मेरे ख्याल में बाजी ले आई है, अरे वो देखे जी सामने दही है जी। ये चले अंडा ले आते हैं सलेमान का, और वो जी अंडे पराठे से नाश्ता करेगा। और ये देखें जी मिस्त्री भाई जी आ गए और मजदूर भाई, स्टार्ट हो गया, सूरज देखें जी निकल आया, सुबह के 8 हो चुके हैं। चले जी अंडा ले आए शलवार, अनार तोड़ है देखे जी शलवार, कच्चा अनार है, पक्का तोड़ो पक्का तोड़ो, कौन सा ए ठहरो मैं तोड़ देती हूँ, ये जी अनार देख रहा है, चलो ये वाला तोड़ लो ले लो, ए तोड़ देते हैं जी से अनार सुलेमान जी। चले जी ये देखिए जी सारे सेन में कितना गंद पड़ा हुआ है बारिश की वजह से, मट्टी मट्टी हो गई है क्योंकि यहाँ से जी मट्टी सारी आती है छतों की। तो इसको जी हम वाश कर रहे हैं, ये वाला कमरा जो है वो वाश हो चुका है, ये देखिए जी ये वाला कमरा साफ कर रही है सलेमान यहाँ पे लेटा हुआ है, और ये वाला कमरा जी हम साफ कर रहे हैं, ये जी बच्चियाँ साफ कर रही है,
ये सामने वाला रूम है जी, तो इसको भी जी साफ़ करेंगे और उसके बाद ये सेन भी साफ़ करना है। हाँ चलिए, बादल बनना तो फिर स्टार्ट हो गए हैं जी, तो पता नहीं अब बारिश आए तो फिर दोबारा ना गंद पड़ जाए। फिलहाल जी ये वाले सारे रूम जो है वो साफ़ कर देते हैं। ये किचन भी साफ़ होगा जी, नाश्ता बन चुका है अभी किया नहीं है जी। और ये देखें जी इसको भी साफ़ करेंगे, बारिश आई थी तो इस चारपाई को जी अंदर कर दिया था, तो ये भी जी फर्श वाश होगा और वो सामने वाला कमरा भी साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस्त्री भाई से पूछेंगे कि वहाँ पे हम मिट्टी गिरा लें, यानी कि अंदर का पानी आए तो उसको नुकसान तो नहीं होगा। बाजी ने पाइप फिट कर दी है और बसियाँ जी वहाँ से आज करेंगे सफाई। और ये बन चुका है जी सलेमान का रोल, सलेमान खाने लगा छोड़, उसकी आप ही उसे खिलाएगी। अंडा रख के जी हम इस तरह दोपहर हो गई है जी। ये देखे जी सूरज जो है ऐन सर के ऊपर आ गया, और ये देखे जी दोपहर हो गई है जी। ये देखे जी वो सूरज जो है वो ऐन सर के ऊपर है, और दिखा देते हैं जी मिस्त्री भाइयों का काम कहाँ तक पहुँचा है। ये देखे जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया जी, यहाँ से गंद जो नज़र आ रहा था वो सारा ख़त्म होता जा रहा है जी माशाल्लाह। और यहाँ से भी ये नाली जो है ये भी कवर कर देंगे और ये वाला भी एरिया जो है वो साफ़ हो जाएगा शाम तक। दोपहर के हो चुके हैं जी दो, और आज जुमा है जी, आप सबको हम सब की तरफ से जुमा मुबारक। तो मिस्त्री भाई जी अभी लगे हुए हैं, नहीं कह नहीं आना बाजी दाम, तो बाजी गई है जी बाजार सब्जी लेने। तो बाजार जी हमारे यहाँ पे नज़दीक ही है, और मैं यहाँ पे जी बर्तन वाश कर रही हूँ, और ये देखे जी किचन आप बहुत गंदा है जी, बहुत सख्त गंदा है जी। किराएदार जी यहाँ पे ही सोते थे और खाते पीते भी इधर ही थे, तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह की हम सफाई करेंगे और किस तरह की उनका गम निकालेंगे। वो वाली साइड जी बहुत ज्यादा गंदी है, उसका देखे जी यहाँ पे चूल्हा पड़ा होता था, तो यहाँ पे जी वो सारा घी ऑयल बहुत कुछ गंदा है जी। ये देखे फर्श की कंडीशन देखे, तो यहाँ पे सर्फ डाल के पानी गर्म करके जिसको वाश करती हूँ। पहले सबसे पहले जी मैं बर्तन वाश करती हूँ, तो भी बस बर्तन वाश करके जी मैंने चूल्हा वाश कर लिया है, और अब जी मैं वहाँ पे बर्तन की जी सेट कर ली है उस जगह पे, और अब फर्श को जी साफ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत सख्त गंदा है। गर्म पानी से करने वाला है जी, लेकिन वो अभी हमारा जी इस तरह का बर्तन नहीं है जिसमें पानी गर्म करें, तो वैसे कोशिश कर दी होगा ना और फिर गर्म पानी करेंगे। यहाँ पे जी मैंने सारा सर्फ जो है वो फेंका है, और ये मेरे पास जी लोहे का ये है जी ब्रश, ये देखिए जी कितनी मट्टी है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने चूल्हा रखा हुआ था, कभी भी इसको वाश नहीं किया जी हमारे किराएदारों ने, देखो देखे जी ये यहाँ पे दो साल रह के गए हैं, पर लग रहा है कि रोजाना सफाई करते होंगे। देखे जी
अगर है जी यहाँ पे बंदा दो साल रह के गया और दो तीन महीने हुए जी वो गए हैं यहाँ से, ये देखे जी दो साल का गंध, अब हम आके जी उनका निकाल रहे हैं देखे जी। ये ये देखिए जी, एक दफा मैंने ये सारा इस शेड के नीचे से जी ये सारा कूड़ा निकाला है मट्टी इससे खुरच कर, अब देखे जी इसका कलर रेड होना स्टार्ट हो गया। अभी इधर से देखिए जी उसी तरह मट्टी वाला है, तो अब मैं इसको जी एक दफा और वॉश कर लेती हूँ। बाजी आ गई है जी, तो वो जी मिस्त्रियों के लिए मैंने जलेबियां मंगवाई है, तो मैंने कहा उनको दी जाए जी, आज उनका जी आखिरी दिन है। तो ये मैंने इतना बड़ा सा साफ किया, दोबारा से वॉश करना, अब इसका कलर चेक करें जी, माशाल्लाह साफ सुथरा लग रहा है, यहाँ से उसी तरह ही है। आगे जो मैं दोबारा वॉश करती हूँ और अंदर चल के जी चेक करते हैं क्या कर लेके आएंगे। सलेमान शूज लेकर आया है, चप्पल ले आया है, मैंने सोचा था जी सैंड दिखाओ जी उधर, ये देखे जी कितने पारे शैंड लेकर आया है, और उसकी आप भी लेकर आई है जी मलाइका, तो ये बाजी अपने शूज लेकर आई है, और ये जी समोसे ले आई है, तो कई बार कुछ हमने खाना नहीं खाया, और ये देखे जी समोसे आ गए इधर, ये बच्चे कह रहे थे जी आज दोपहर का खाना नहीं खाया, तो ये समोसे खा लेते हैं। चलो जी आज जुम्मा भी था, आज मैं सामने में आधा जा रही हुई है जलेबियों की, तो जलेबियाँ आ गई हैं जी, पहले तो हम देंगे जी मुझे ये समोसे हैं जी, बाजी सबको देंगे जी, चटनी वगैरह निकाले ना तो सबको जी इससे करके देते हैं, और ये हैं जी मजदूर वो मिस्त्री भाई और मजदूर भाई की जलेबियाँ, उनको दे के आते हैं जी। ये देखें जी मिस्त्री और भाई और मजदूर भाई सुबह से काम कर रहे हैं, आज इन्होंने जरा सा भी ब्रेक नहीं लिया जी, माशाल्लाह देखे पूरा सेन हो गया जी। ये आ लो भाई आज जलेबियाँ खाओ, चाह तो नहीं भाई तुम प्याई जलेबियाँ मैं खवा दी है, देखिए जी थोड़ा सा हिस्सा रह गया और इसके बाद ये वाला काम खत्म हो जाएगा माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा ये काम हो गया जी आज। और चलते हैं जी अंदर, और ये दो चारपाइयाँ जी हमने ऊपर से निकाली है टूटी हुई हैं जी, तो ये भी बोला है जी मिस्त्री भाइयों को हमें ठीक करवा दें क्योंकि हमारे जी गेस्ट। चलो जी सलमान कह रहा है मेरे शूज दिखाएं जी, और ये देखे जी सलमान के शूज कितने प्यारे लग रहे हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाजी चटनी निकालने लगी उसों के साथ, बाजी जी सब्जी लेने गई थी क्या आलू लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी आज बनाएंगे जी आलू, तो पहले जी समोसे खा लेते हैं और उसके बाद जी फिर मैं वो किचन वॉश करूंगी और उसके बाद जी फिर हम मंडिया बनाएंगे, ठीक है। सलमान देखे जी बड़े मजे से समोसे खा रहे हो, चटनी भी है जी। समोसे जी एक ही बर्तन में जी हम सारे खा लेंगे, और ये चटनी इसी में।
देखो जी ये मेरे ख्याल में जी दाबड़ों में वो आग जला कर तो अंदर रखते रहे हैं, सारे कमरों में इसी तरह फर्शों का हाल है। इसके ऊपर भी जी सड़क फेंकते हैं और ये देखे जी कितनी साइडों में मिट्टी जमी हुई है, यानी ये इसको जी बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्होंने तो मुझे लग रहा है कभी भी वाश नहीं किया। यहाँ पे देखे जी पूरा जी, फर्श को मैंने अच्छी तरह साफ किया है जी, सारा सर्फ डालकर अभी मैंने एक दफा वो भी करना है जी, सर्फ डाला यहाँ से और देखे जी कितनी ज्यादा मिट्टी निकली है और अब पता चल रहा है कि कोई यहाँ पे रहता है। तो कढ़ाईदार जी जब भी आते हैं इसी तरह गन डाल के जाते हैं, जब हम आते हैं जी फिर वो सारा कूड़ा जो हमें निकालना पड़ता है। ये वो जाली है जी जिसके साथ मैंने चूल्हे को साफ किया है और एक और जाली हमारे पास सेव है जी ये बर्तनों के लिए। फिर आपने कहना है कि आपने वही जाली लगा ली है, इसको जो हमने एक साइड पर रखा हुआ है, जब इस तरह हमने काम करना तो ये वाली जाली लगाते हैं। अभी जी कल ये हमारे खिड़की वगैरह साफ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जी यहाँ पे भी ये सफाइयाँ करेंगे जी। अभी जी आलू की कटिंग करेंगी, सब्जी वगैरह जी ये प्याज टमाटर आलू। और अभी जी देखे सामने सूरज है, सूरज ढाबा है जी इस तरफ, और हमारे मिस्त्री भाई अभी जी लगे हुए हैं क्योंकि आज उन्होंने काम ख़त्म करके जाना है जी, थोड़ी थोड़ी मरम्मत जो रहती है वो करके जाएंगे जी। और किचन देखे जी मैंने साफ कर दिया है जी, देखे आज अंदर जाने को दिल कर रहा है जी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी जी, बहुत ज़्यादा गंद था। अभी भी लगे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे जी हम आलू बना रहे हैं, बाजी ने मसाले वगैरह डाल दिए हैं और सुलेमान के लिए जी चिप्स भी बना रहे हैं और थोड़े से जी हमारे गेस्ट भी आए हैं तो मैं उनके पास बैठी हूँ, बस हंडिया जी आपने रख दी है और उसके बाद जी फिर इसके साथ हम रोटी बना रहे हैं। देखें जी यहाँ पर हमारी चारपाइयाँ जब लाए थे छत से तो ये भाई जो है मजदूर जी है जी उसको ये ठीक कर रहे हैं क्योंकि जी ये भी साथ साथ काम हमारा चल रहा है और काफ़ी जी रश है आज, माशाल्लाह जी बिजी है बिजी हैं जी, मैं और बाजी सारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो खाना बना रहे हैं। मगरब का वक्त होने वाला है जी और यहाँ पे जी मैंने आलू टमाटर मिर्चे सब कुछ जी डाल के रख दिया हुआ है और अभी तक जी हमारा घर में देखे काम हो रहा है तो आज जी मुझे लग रहा है कि मिस्त्री जो है वो सारा काम रमके कर रहे हैं जी कमरों में, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसमें जी पानी है और फिर अभी जी ये पानी सूख जाएगा अभी इसको घी डालेंगे और इसको जी फ्राई कर लेंगे, अभी साथ बनाएंगे जी रोटी। देखिए जी मगरब हो चुकी है जी, अभी तक छांव जो है उतारने का वक्त नहीं मिल रहा, वो मैं अभी जाती हूँ जी उतारती हूँ। भाई जो आ गए हैं जी इस कमरे में, जो दूसरा रूम है और अब इसकी जी मरम्मत कर रहे हैं, ये सुबह से जी लगे हुए हैं। ये देखिए जी जहाँ जहाँ जी तोड़ फोड़ की है की हुई है जी।
ये अजान हो चुकी है और ये जी जिसमें चिप्स फ्राई किए हैं सुलेमान के लिए, ये जी हम घी डालने लगे हैं। और ये देखें जी अजान हो चुकी है, बादल बनने स्टार्ट हो चुके हैं और फर्श भी जी हमारा मुकम्मल हो गया है। और ये जो रेत बच गई है जी, ये मिस्त्री भाइयों ने सारी जी ये तोड़ों में डाल के रख दी है ताकि कभी आइंदा ज़रूरत पड़े तो यहाँ से उठा लेंगे। जो ये जो छत से जी बाले वगैरह निकले हैं ये भी इधर जी हम इधर सेव कर दिए। और माशाल्लाह देखिए जी पूरा सीन मुकम्मल हो गया। इधर रास्ता है जी, यहाँ से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, बाकी बाहर जाने वाला रास्ता बिल्कुल जी बंद है। ये देखिए जी माशाल्लाह सारा सीन जो है वो कंप्लीट हो गया जी। और इधर सारे जी हमारे सीन में बैठे हुए हैं जी सारे। और यहाँ पे जी बच्चियाँ साथ साथ हेल्प करवा रही हैं और ऊपर से जी ये कुछ चेयर वगैरह जी उतारी हैं, सामान पड़ा हुआ है हमारा अपना ही, तो कमरों में जी सेट करेंगे। और ये देखें जी अब ये आखिरी काम रह गया है, ये इस गेट की जी ये क्यारी बना रहे हैं भाई। अंदर से जी ख़त्म हो गया है मरम्मतें और ये देखें जी अंधेरा हो गया। अब जी एक और चारपाई निकाली है और इसकी भी जी ये एक जो साइड है वो टूटी हुई है और इसकी जी हम ये दामन खोल लेंगे। और जो भाई हैं जी वो इसकी वो ये लकड़ी वाली जो साइड है वो चेंज कर देंगे। ये वाली चारपाई ठीक हो गई है जी और ये वाली चारपाई भी ठीक हो गई है। ठीक है जी ये नाली भी बना दी है जी उन्होंने सीमेंट और बजरी रेत डालकर, और इसके आगे आगे जी हम सपोर्ट कर देंगे इस तरह ताकि मट्टी रेत जहाँ से जी वो कोई भी किराएदार आए जो हम भी अगर हो तो यहाँ से कूड़ा वगैरह निकाल लेंगे। अब जी बहुत प्यारा सिस्टम बन गया जी ये वाला। और ये दो सुराख रखे हैं ये और एक वो, ये जी छाँव तो आ रही है। अब शाम हो गई है जी तो आज टाइम ही नहीं मिला जी छाँव उतारने का। अब बच्चियां जी उतार रही हैं, लाइटें ऑन कर दी हैं जी सारी जी। तीसरी चारपाई है इसमें जी ये लकड़ी वाली जो है हमारी साइड जो टूटी हुई है वो भाई डाल रहे हैं और दूसरे भाई देखें जी वो भी साथ ही हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने अपना जी सारा काम मुकम्मल कर लिया है, अब ये लकड़ी वाला काम करवा रहे हैं। दोनों मिस भाइयों ने जी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। देखिए जी अपना काम ख़त्म करके ये चारपाइयाँ भी हमारी ठीक कर दी हैं। सर बाजी बैठी हुई हैं, हंडिया बन गई हैं, रोटियाँ अभी नहीं आई बाजी। और ये देखिए जी इशा हो चुकी है और अभी अभी मजदूर गए हैं जी हमारे और बाजी जी गए थे रोटियाँ लेने। सालन तो हमारा कप का पक चुका है, मिल गई है। हाँ मिल गई है। चलो जी ये होटल से जी आज लाए हैं क्योंकि टाइम नहीं था, इधर देखे जी कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टाइम ही नहीं था जी, सारे बिजी थे चारपाइयों से। हाँ जी गैस भी चली गई थी। हाँ। सलमान साथ गया हुआ था जी। देखे जी आप जी। हाँ अब इधर जी चारपाइयाँ साथ खा रहे हैं जी बच्चे ताकि हम जी ऊपर बैठ के खाना खा सके। और ये साइकिल मुझे दे दो मैं अंदर रखा हूँ। हाँ हाँ अंदर रख देते हैं। वेरी गुड। 10 रुपए दी ओ। ये देखें जी आपियां जो हैं वो ला रही हैं चारपाइयां। सलेमान ऊपर लेट गया देखें। सलेमान आते शायद झूले लेने लग गए। चले जी ये देखें जी चारपाइयां लग चुकी हैं, अजाने हो गई हैं जी इशा के। खाना जी हमारे सामने आ चुका है, बाजी जी ले आई हैं रोटियाँ बहुत दूर से लेके आई हैं। जो हमारे पास वाला तंदूर था जी वो 2-3 दिन से जी
وہ بالکل جی کھل نہیں رہا. تو یہ دیکھیں جی تندور روٹیاں بچوں کو دیتے ہیں جی, اور بچے بھی جی آج کام کر کر کے کافی تھک چکے ہیں. تو یہ اپنی روٹی ڈالتے ہیں بازی یہاں پہ, یہ لے کے آئی ہیں جی. کیا یہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہیں جی قیمے والی. یہ جی ہمارا اڈا ہے بہرا میں, تو وہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح کی 10 روپے کی ہے. ہاں 10 روپے کی دیکھیں جی ٹکی مل جاتی ہے ادھر ہمارے شہر میں. تو سالن ہے جی ساتھ آلو والا, آلو بنایا تھا جی, ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے پاس ہی بیٹھے تھے. پھر مسالہ جی ہم نے مکس کر کے جلدی جلدی ہنڈیاں بنا لی, پھر گیس چلی گئی, تو پھر جی مستری بھی آج لیٹ گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے جی پھر یہ سارے مسئلے جی جلدی جلدی ہم نے کیے ہیں, اور آپ کے ساتھ پتہ نہیں اتنی زیادہ شیئر کی ہے یا نہیں کی. چلو جی سالن ڈالنے والی جلدی جلدی بچوں کو دے دی کھانا. اور یہ ہے جی بچوں کو کھانا, اور ساتھ ان کی جی ایک ایک یہ قیمے والی ٹکی ہے. چلو جی ساتھ یہ دیکھیں جی چٹنی بھی ہے, تو یہ جی بچے کھا لیتے ہیں. لے جی اور ایک ٹکی باجی کے لے لی اور باقی بچوں نے لے لی ہے جی. تو کھانا سامنے آ چکا ہے جی, اب کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ہی جی آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. ٹھیک ہے, اور سار یہ چٹنی ہے جی, یہ دیکھیں یہ ہمارے ادھر جی چٹنی بنتی ہے بہت ٹیسٹی مرچوں والی. پھر ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے جی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دیں جی. ہمارے جتنے بہن بھائی دوست ہم ویڈیو کو واچ کرتے ہیں, جو نہیں بھی کرتے سب کے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے, سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو ویور اکثر جی کمنٹس نیچے آئے ہوتے ہیں کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ خواتین کام کر رہی ہیں اور آپ کے مرد ساتھ نہیں آئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو باجی کے ہسبینڈ ہیں وہ اسلام آباد ہوتے ہیں, اور جو تصیف ہے اس کی گورنمنٹ کی جاب ہے, اور میرے ہسبینڈ جو ہیں جی وہ گھر میں ان کا رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں بھی باجی مینا اکیلی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سٹی ہے, تو گھر میں جی ماشاء اللہ گھر کافی یعنی کہ بھرا ہوا ہے, سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے, تو پھر جی چوری چکاری کا بھی ڈر لگتا ہے. اس وجہ سے جی ان کو میں نے بلکہ ہم نے بولا تھا کہ آپ ادھر ہی رکے. ابھی بھائی یہ تو ہمارا اپنا سٹی ہے, اور یہاں پہ جی ہماری پیدائش ہے, اور یہاں پہ ہی ہماری ساری ایجوکیشن ہے سب کی. تو ہمارے لیے انجان سٹی نہیں ہے, سب ہمارے جاننے والے ماشاء اللہ جی. اور جتنے یہ مزدور بھائی اور مستری بھائی بھی لگے ہوئے, یہ سارے جی ہمارے ہمسائے ہیں, اور ان سے بھی جی ہمارے فیملی ریلیشن ہے, اور سب جی ہمیں یہاں سے جانتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے جی ہمیں, جس سے بھی کوئی کام ہم بولتے ہیں فوراً آ کر جی ہمارا کام کر جاتے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتے. مردوں کے بغیر بھی جی ہمارا کام ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ بھی جی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو حبیب صاحب نے کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی, اور یہاں پہ جی ہم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی سارے کام کر سکے, ہمیں بھی جی شکر الحمدللہ آپ کے سامنے سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں. آپ کو جی اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی, تو آپ اجازت دیجیے جی. خدا حافظ. تو ویورز ہم نے سمجھا کہ شاید سلیمان سو جائے, لیکن سلیمان سویا نہیں ہے, اس لیے میں نے ویڈیو کو اینڈ کر دیا تھا. تو یہ کہتا ہے جی میں نے گھومنے جانا ہے, تو کوئی چیز کھانی ہے میں نے. نہ کرو ٹھنڈ پڑے گی, دیکھیں جی اس کی شرارت ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے جی, اب دیکھیں پتہ نہیں کیا کھاتا ہے. چلو ایک وائف ہے جی یہاں پہ گنج منڈی میں دروازے کے نیچے, تو یہ اسپیشل چیز یہاں پہ لینے کے لیے آتے ہیں. میں نے کہا یہاں ہی لے لے آ تو جھولے بازار لے لیا جی, جھولے سے باہر آ گیا جی, ہم جھولے لے رہے ہیں. تو بھی بس ہم جی گئے تھے ماڈل بازار سلیمان کے لیے جی, کوئی کھانے پینے کی چیز کھائے گا, لیکن وہاں جی بازار بند تھا. تو پھر جی یہ کہتا ہے مجھے اپنے فرینڈ کے گھر لے کے چلے گی, جو چھوٹا یوٹیوبر ہے جی شاویز, تو ان کا گھر جی رستے میں ہی ہے جہاں سے ہم گزر کے جاتے ہیں. تو یہ سلیمان دیکھے جی اب باہر اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے لیے یہ تکلف کیا ہے جی, انہوں نے ملک شیک بنا لی, ان کو منع بھی کیا ہے جی, ہم کھانا کھا کے آئے تھے تو جی ان کی مدر بنا کے لے آئی ہیں. تو اب یہاں سے یہ کولڈ ڈرنکس کی, یہ جی ملک شیک ہے, سوری کولڈ ڈرنکس ہے, یہ جی ملک شیک ہے. تو رات کا وقت ہے جی, یہاں سے دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ویو جی ان کی کھڑکی سے نظر آتا ہے باہر کا. یہ دیکھیں جی نیچے یہ جی ان کی یہ کھڑکی ہے, یہاں سے بہت ہی جی پیارا ویو ہے. نیچے دکانیں ہیں, برگر شاپ, آئس کریم سارا کچھ یہاں نیچے سے جی مل جاتا ہے. چلے مان آ گیا جی,